तूने कोई शिकायत पर तूने कोई ना कुछ गड़बड़ की होगी, कुछ शैतानी की होगी, तभी तो बड़े ने मारा है। और शादी के बाद 500 कमाते हो, 400 देते हो, सिर्फ 100 रुपए रोकते हो, फिर भी इस माँ को नींद नहीं आती है, फिर ये हाजी जी को सोने नहीं देती है। अरे देख रहा हूँ, जिस दिन से आई है कुछ ही नहीं गया बेटा, तो कुछ कमा के ही नहीं दे रहा है। थोड़ बदल गई भाई, फिक्र बदल गई, फिक्र। एक हकीकत बात बता रहा हूँ, मेरी नॉलेज के मुताबिक 80% सासों की गलतियां होती हैं। यह हमें देखना होगा। मेरे घर में भी मेरी माँ है, सबके घरों में माँ है, सबके घरों में बहन है। हर माँ चाहती है मेरी बेटी अपनी ससुराल में मलका बन के रहे, फिर वो ये क्यों नहीं चाहती मेरी बेटी, मेरे बेटे की बहू भी मलका बन के रहे। ये दोहरा रिश्ता कैसे है, ये दोहरा रिश्ता कैसे है? अल्लाह अकबर कबीरा। फिर इसको नींद नहीं आती है, पड़ोस में जाएगी, पड़ोसन ने पूछ लिया कैसे, वो भी ताक में होती है ना, महल्ले की औरतें, कुछ ना कुछ सुराख मिले, कैसा चल गया, थोड़ी बहुत तो इन्होंने बर्दाश्त की, लेकिन औरत है, बर्दाश्त कब तक करेगी, कहीं ना कहीं तो निकलनी है ना। चल तो सही रहा, लेकिन जिस दिन से आई है दे कुछ ना रहा, ये हकीकत बता रहा हूँ भाई, दे कुछ नहीं रहा है। वो उसने भी आग लगा दी। हाँ क्या, तो सही रही हो, मगरी बाद मैंने भी काली पोलोथीन में कुछ लाते हुए देखा, मैंने भी कुछ लाते हुए देखा। इसके दिमाग में वही भूत, शादी के बाद छोटे बहन भाइयों को घूर के दिखा दो, खैर नहीं, जिस दिन से आइए देख थोड़ी रहा किसी बहन भैया को, किसी देख थोड़ी रहा, इसे कोई बहन भाई दिख थोड़ी रहा है। अल्लाह, एक साथ दस्तरखान पे खाने लगे, माँ अलग चल रही है, छिन गया छिन गया छिन गया, बहन अलग परेशान है, छिन गया छिन गया छिन गया, पूरे घर में यही बात है, एक दस्तरखान पे खा क्यों रहे, एक प्लेट में खा क्यों रहे, बहन अलग परेशान है, मेरी माँ अलग परेशान है। मैं अपनी माओ को एक पैगाम देना चाहूंगा, मेरी माओ, जब तुम अपने बेटे को और उसकी दुल्हन को एक साथ खाते हुए देखो तो हसरत करने की जरूरत नहीं है, चिढ़ने की जरूरत नहीं है। एक नुस्खा मैं बताकर जा रहा हूँ, एक ताबीज मैं बताकर जा रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, जब तुम एक अपनी बेटे को और उसकी बहू को दस्तरखान पे खाते हुए देखो तो हसद मत कर, जल्दी से वुजू बना ले, मुसल्ला बिछा दे और अपने रब की बारगाह में दो रकात नमाज शुक्राने के अदा कर ले और अल्लाह की बारगाह में दुआ कर, मौला जब तक ये मेरे बच्चे जिंदे रहे इनके दरमियान इसी तरह मोहब्बत कायम रहे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत सैयद अफरोज मियां साहिब किबला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये करने की जरूरत है, ये करने की जरूरत है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला ना एक दस्तरखान पे खाना खा रहा है। इंतिशान ना करें, इधर को सुने, अपने दिल की सुना रहा हूँ आपको, अमल कर लो बस, अमल, इधर तवज्जो रखें आप। हजरत आयशा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दस्तरखान पे खाना तनावुल फरमा रहे हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा ने हड्डी ली, चूसी और दस्तरखान पे रख दी। मेरे मुस्तफा ने उस हड्डी को उठाया और चूसने लगे। अरे मचल के बोलो, कैसे खामोश हो? अरे भाई आपके फेवर में बात चल रही है, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। मुस्तफा चूसने लगे। आज के दौर में ऐसा कर लिया, गुलामी का नाम दे दिया जाएगा, गुलामी का नाम दे दिया जाएगा। हजरत आयशा कहती हैं, आका ए मुस्तफ़ा, जो इसमें माल मसाला था वो तो मैंने निकाल लिया, अब क्यों चूस रहे हो? आका का जुमला सुनो, जुमला मुस्तफ़ा ने रिश्तों को कैसे निभाया है। आका ने इरशाद फरमाया, आयशा तुम्हें खुश करने के लिए, तुम्हें खुश करने के लिए ये मुस्तफ़ा ने हमें सिखाया है, लेकिन नौजवानों तुम्हारे लिए भी एक पैगाम है। मैं पूरी रात तकरीर करता रहूं, आप पूरी रात तकरीर सुनते रहो। हरम में मर जाओ, मदीने में जाके दम तोड़ दो, सजदों में दम तोड़ दो। अगर माँ बाप राजी नहीं है, कोई इबादत कबूल नहीं है, ना नमाज कबूल है, ना रोजा कबूल है, ना हज कबूल है, ना तुम्हारा इल्म तुम्हारा फायदा देगा, ना तकरीर करना कबूल है, ना तकरीर सुनना कबूल है, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल की रजा माँ बाप की रजा में है। अगर माँ बाप को राजी कर लिया, समझ लो अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर लिया।
क्या कह रहे बाबा, बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। माँ बाप के बगैर भी कुछ नहीं है, बेशक माँ बाप के बगैर भी कुछ नहीं, माँ बाप से बड़ी नेमत नहीं है। दुनिया के किसी खित्ते में चले जाओ, कश्मीर में घूम लो, नैनीताल की झील में घूम लो, चाहे कहीं भी चले जाओ, जो सुकून माँ के आंचल में मिलता है वो दुनिया के किसी खित्ते में नहीं। बेशक बेशक, कितनी थकान हो, कितने परेशान हो, बाप के सीने से लग जाओ, कसम खुदा की सारी थकान दूर हो जाती है। लेकिन साहब हम तो लाट साहब हो गए ना, थोड़ी पिलोटिंग करने वाले हो गए, तो हम बाप को बाप कहाँ समझ रहे हैं, हम बाप को बाप समझ कहाँ रहे हैं। अब तो प्रधानी का इलेक्शन चल रहा है, अल्लाह तेरी बना, मस्जिदों पे क्या कहते हैं, मस्जिदों के मुसल्लों पे सियासत चल रही है। अगर कोई इमाम साहब किसी कोई रास्ते में मिल जाए, बातचीत करने लगे, तो दूसरा घूर के देख रहा।